नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोप वे जो है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो रोप वे, इस पर सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और आपको क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें वो उसके बारे में भी हम ये इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोप वे जो है ये आसाम, जो इंडिया का जो राज्य है वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि गुवाहाटी को जो 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 गुवाहाटी जो है उसको नॉर्थ गुवाहाटी से उसको जोड़ेंगे। ठीक है, जो ये रोपे क्या रहता है सबसे पहले ये क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, रोपे क्या रहता है दोस्तों, कि एक जो आपको इमेज में दिखता होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जो ये रहता है क्या तार जो रहता है उसके ऊपर जो है ये केबल जो कार रहती है तो उसको चलाया जाता है, जिसके कारण जो है अपने जो अपन जैसे कि रोड से जाते हैं या बोट से जाते हैं, ये हमारे जो कनेक्टिविटी के जो माध्यम है तो उसका उपयोग रोपवे में नहीं किया जाता है। रोपवे में क्या करते हैं हम कि जो केबल कार जो रहती है उसका उपयोग करते हैं, और जिसके कारण हम कनेक्टिविटी जो है उसका प्रॉब्लम जो है हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वह उसके ऊपर ये इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोपवे बनाया है, जो कि गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले लोगों को जब फ्लड आता था यानी वहाँ पे बाढ़ आती थी तब ये दिक्कत होती थी। दूसरी बात थी कि जब वहाँ पे जो लोगों का अगर गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी अगर जाना है, गुवाहाटी ये आसाम की राजधानी है और ये एक सांस्कृतिक शहर भी है प्राचीन, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जहाँ पे हिंदू संस्कृति के बारे में जो भी कल्चर है, टेम्पल्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं गुवाहाटी शहर में, तो ये भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये जो कनेक्टिविटी पहले क्या होता था कि जो भी वहाँ पे जो लोग थे तो उसको क्या करना पड़ता था कि जब फ्लड आता था तो उसको कनेक्ट होने की जो प्रॉब्लम आता था वो बहुत आता था। दूसरा कि उसको बोट या फेरीज या फिर रोडवेज से उसको जाना पड़ता था, तो वो एक या उससे ज़्यादा और वहाँ पे लगता था। तो लेकिन अभी वो केबल कार है, जो कि रोपवे जिसे हम कहेंगे, ये रोपवे से क्या करेंगे, जो भी जिसको भी जाना है तो उसको 7 मिनट के अंदर वहाँ पे वो जा सकता है, कहाँ से, गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी तक। क्योंकि वो जो अंतर है वो अंतर भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि जैसे कि हमने पहले बोला कि ये इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोपवे है, तो इसका जो लेंथ है तो वो है 1.8 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, 1.8 किलोमीटर यानी कि नियर अबाउट 2 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, और ये इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोपवे में बार बार आपको इसलिए कर रहा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो रोपवे है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें मतलब डीजल पेट्रोल की कोई बात ही नहीं। ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो कॉस्ट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो 60% जाने का, अगर आने जाने का होगा तो वहाँ पे 100% चार्ज किया जाता है, तो ये भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस चार्ज, जो भी चार्जेस लगाए जा रहे थे प्रीवियस, जो भी लगते थे वहाँ के रेसिडेंट को, तो वो भी कम होने वाले हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी का जो इशू था जब फ्लड आता था तो वो भी आप रोपवे के कारण, क्योंकि रोपवे जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से है। ठीक है, और रिवर जो है वो नीचे से उसका जो फ्लो है वो चलता है ब्रह्मपुत्र का, तो ये अगर वहाँ पे फ्लड आ गया तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा रोपवे को। तो रोपवे जो रहता है वो पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तीसरा जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, और चौथा टूरिस्ट जो है वो उस क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पिकॉक आइलैंड है, गुवाहाटी कल्चरल सिटी है, तो ये सब कुछ, और सबसे इम्पोर्टेंट पूर्वोत्तर जो भी राज्य है वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ये सिटी है गुवाहाटी, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ ये जो केबल कार रहता है तो ये केबल कार में 30 पैसेंजर जा सकते हैं एक बार, एक ऑपरेटर, ठीक है, प्लस एक ऑपरेटर, तो ये एक घंटे में कम से कम 250 पैसेंजर को कैरी कर सकता है, तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर अगर इसको अगर कंक्लूड करना है हमें, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोपवे है, नंबर एक। दो, इसका इनोग्रेशन हुआ है, मिनिस्टर शर्मा जो है वहाँ के, तो उसने इसको इसका इनोग्रेशन किया था। पहले तो इसको 2011 में ही इनोग्रेट करना था, क्योंकि लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन उसको मिली नहीं थी, इसके कारण ये प्रोजेक्ट को डिले हो गया। लेकिन अभी वो ओपन हुआ है, यानी कि जो रेसिडेंट है आप इसका यूज कर सकते हैं। केबल क्या जो कार है ये रोपवे का, तो इसका उपयोग वो कर सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट। दूसरा कि ये जो है 1.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, ये भी याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आसाम की जो राजधानी है वहाँ पे, यानी कि गुवाहाटी जो है वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया है। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।